जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज बारिश नगर में रहने वाले एक युवक ने डिप्रेशन के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में मृतक के बड़े भाई ने बताया कि 3 महीने पहले ये जेल चला गया था, जिसके बाद ये डिप्रेशन में आ गया था और आज इसने इसके चलते आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डिप्रेशन में था ये और 3 महीने पहले एहसान नाम का था जो इसे घर से गाड़ी पे ले गया, उसके चक्कर में ये जेल चला गया। दारू 2 नंबर का था, ऐसे बताया नहीं, ये इसी कारण डिसऑनर में था। अभी 1 महीने पहले जमानत कराई इसकी, इसे टेंशन बहुत थी और रात शायद एहसान से इसकी बात भी हुई थी। किससे बात हुई थी? एहसान से, जो लेके गया था यहाँ से। एहसान जो है डीलर है। किस चीज़ का डीलर है? दारू का। अच्छा, फिर? और इसी चक्कर में इन्हें अपनी आत्महत्या अपनी जान। तो मतलब डीलर है वो, उसको ले गया था, कहाँ का है वो डीलर? ये डीलर साहब वैसे तो इसमें बिसोली का है, अब जो बैजोई में रह रहा है नगासे में किराए पे। तो उससे इनका क्या मतलब था? वो उससे लेके गया था घर से कि मेरी गाड़ी है, चक्कर मारिया, ये ड्राइवर था कंडक्टर। कब ले गए थे? तो 3 महीने पहले कम से कम। क्या हुआ था? और 4-5 दिन बाद गाड़ी पकड़ गई मुरादाबाद दलपतपुर रोड पे 0 पॉइंट पे। गाड़ी में क्या था जो पकड़ गई? दारू भरी हुई थी, ऊपर परचून का सामान था। फिर क्या हुआ? उसके बाद इसे हमने जेल से कराया अभी 1.5 महीने पहले समथिंग। उसके बाद ये शांत रहा बिल्कुल, जेल से आने के बाद डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद हमने इससे कहा कोई बात नहीं, टेंशन है छोड़, ख़त्म कर अपना काम, सेट कर। तो रात जो थी ये कम से कम मेरे पास 12 बजे घर पे आया। मैंने गेट खोला, मैंने क्या बात है, कह रहा खाना खा लिया। मैंने कहा खाना खा लिया? कह रहा खा लिया। मैंने सो जा, तो कह रहा मैं सो रहा हूँ, तू चला जा, तू भी सो जा। मैं जाके अपने कमरे में सो गया, वो अपने में सो गया। इसकी जो ही रात मुझसे कहा कि भाई मेरी एहसान से बात हुई, बस इतनी बात इनने कही। मैंने क्या बात हुई? कह रहा मैं सुबह बताऊँगा। इनने सुबह सुसाइड कर लिया। बाबू कैसे पता चला? वो छोटा वाला भाई जो था सुबह चाय के लिए उठाने आया, अब भाई उठ जाओ नहा लो धो लो। जब उनने देखा तो ये उससे लटके हुए थे पंखे से।